हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू ग्लेंस एकेडमी। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 के लिए टेस्ट नंबर 6, जो कि आपका पिछले 6 दिनों से लगातार चल रहा है। हालांकि कल स्वतंत्रता दिवस का अवसर था 15 अगस्त, तो उस दिन मैंने आप लोगों की छुट्टी कर दी थी टेस्ट पेपर की। बाकी लगातार हम पिछले 5 से 6 दिन से लगातार कर रहे हैं, और ये टेस्ट पेपर पूरी तरीके से हिंदी मीडियम के लिए है और मिक्स टेस्ट है, अर्थात फुल लेंथ जिसे हम कहते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट विद करंट अफेयर्स इंक्लूड किए गए हैं। और ये टेस्ट पेपर हमारे ध्येय आईएएस कोचिंग के हैं, जो बहुत ही प्रतिष्ठित और बहुत अच्छे टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराते हैं। और वीडियो का नीचे लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का, जहां पर आप इसे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, जो क्लास अपलोड होने के बाद आप सभी के लिए पोस्ट कर दी जाती है। साथ ही साथ आप लोग किस तरीके से इन सभी टेस्ट पेपर का रिवीजन कर सकते हो, इनके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, कल ही बना दी थी। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था मिड सितंबर तक लगभग मैं 30 से 35 टेस्ट पेपर कराऊंगा, और उनको अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो, किस तरीके से करना है, क्या मेथड यूज़ करना है, अगर बिना रिवाइज करके जाओगे पेपर देने, तो कोई यूजफुल नहीं होगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो रिवीजन करने की जो मास्टर निंजा टेक्निक है वो ज़रूर देख लेना, वीडियो के नीचे उसका लिंक दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हम लोग चैनल पे पहली बार हो दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ पे आपको यूपी पीसीएस आरओ इन सभी की पूरी तैयारी कंप्लीटली कराई जाती है। चलिए पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर बीच दिया हुआ है, अर्थात तट रेखा दी हुई है, जो क्षेत्रों में जैसे तट वगैरह फेमस होते हैं ना कोस्टल रीजन पे, और ये कौन से राज्य के अंतर्गत आता है इसको पूछा जा रहा है। जैसे अगर आप गुजरात घूमने जाएंगे तो वहाँ पे ओखा तट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? ओखा बीच या ओखा तट। अगर आप केरल घूमने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे कन्नूर का तट देखने को मिलेगा, और अगर आप पश्चिम बंगाल घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे बखाली का तट देखने को मिलेगा, और अगर आप कर्नाटक घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे कारवाड़ का तट देखने को मिलेगा। कई बार होता है कि हम लोग जब बीच वगैरह घूमने आते हैं, जैसे गोवा हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, तो यहाँ पे कुछ फेमस बीच होते हैं जिनके बारे में प्रश्न बनाया जाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या होता है, हम लोग सारी व्याख्याओं को भी डिटेल से पढ़ते हैं, हर एक एक्सप्लेनेशन को डिटेल से मैं समझाता भी हूँ, कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और एक्स्ट्रा नॉलेज को भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि वो आपके एग्जाम्स में काम आ सके। और अगर आप लोगों ने अभी तक टेस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर टारगेट दिया हुआ है एग्जाम डेट का 27 अक्टूबर, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स टेस्ट 3। उस प्लेलिस्ट में आपको सारे के सारे टेस्ट पेपर मिल जाएंगे, आप उससे रिवीजन कर सकते हो, लगातार आप उसे देखते रहेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी बहुत अच्छी एक्यूरेसी बढ़ेगी और प्रीलिम्स में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित पर्वत शिखरों की उनकी ऊंचाई के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, अर्थात कि सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। हालांकि अगर हम बात करें हिमालय की, तो हिमालय की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है बताइए? माउंट एवरेस्ट। कितनी ऊंचाई है? लगभग 8,848 मीटर या 8,850 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई है। अगर हम भारत के अंदर बात करेंगे तो K2 गाडविन ऑस्टिन, जो आपके नंगा पर्वत के पास देखने को मिलता है, वर्तमान में POK के अंतर्गत शामिल है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और दूसरी जो आती है आपकी कंचनजंगा आती है, जो सिक्किम में आती है। लेकिन यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए हमको, उसी के अनुसार क्या करना है, इलेक्ट करना है। अब जैसे अगर आपको कंचनजंगा के बारे में पता होगा तो ये तो क्लियर हो गया ना कि कंचनजंगा इन 4 ऑप्शन में सबसे बड़ी होगी, अर्थात कि लास्ट वाले ऑप्शन को हमें क्लिक करना है जिसके पीछे 1 होगा। तो देखते हैं, एक एक करके हम कलेक्ट करते हैं। कंचनजंगा की जो हाइट है 8,598 मीटर है, धौलागिरी की बात करेंगे 8,172 मीटर है, और अगर हम अन्नपूर्णा की बात करेंगे तो 8,091 मीटर है, और मकालू की बात करेंगे तो 8,481 मीटर है। इस आधार पे सबसे पहले आपको क्या लेना है, सबसे छोटी वाली यानी अन्नपूर्णा ले लोगे सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे धौलागिरी, फिर उसके बाद मकालू, और सबसे लास्ट में आपको कंचनजंगा। इट मीन्स कि डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, कुछ पहाड़ियाँ हैं और उसकी लोकेशन पूछ रहा है कि कौन से राज्य में अवस्थित है। जैसे चिन पहाड़ी को अगर आप देखोगे तो ये आपको देखने को मिलेगी दोस्तों मणिपुर में। सारामती पहाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये पूछा जाता है और कई बच्चे इसको गलत कर देते हैं, क्योंकि सारामती के नाम में कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा है कि नॉर्थ ईस्ट की कोई पहाड़ी होगी। हालांकि नागालैंड से संबंधित है, इसीलिए इसको कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मध्य भारत, MP, छत्तीसगढ़, UP, बिहार, ऐसे क्षेत्रों की होगी और इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कोल्लई मलाई की बात करेंगे तो तमिलनाडु में है, मिकिर की बात करेंगे तो आसाम में आती है। इस आधार पे आपका इसका पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
यहाँ पे कुछ जनजातियां दी गई हैं और उनके निवास स्थान को पूछा जा रहा है। जैसे कोनियत जनजाति की बात करोगे तो नागालैंड में आती है, अंगामी भी इसमें आती है, ठीक है, अंगामी हो गई और कोनियक हो गई, रेंगमा हो गई, ये सभी जनजाति नागालैंड में आती है। नोटिया की बात करेंगे तो ये आपकी त्रिपुरा हो जाएगी। हालचू की बात करेंगे तो अंडमान निकोबार, जिसमें सोमपेन भी आती है, जारवा भी आती है, ओन्स भी आती है, हालचू भी होती है, अंडमानी भी होती है, ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार में। परंतु लिंबू जनजाति दोस्तों मणिपुर में नहीं आती, बल्कि कहां पे आती है, ये सिक्किम में आती है। कहां पे? सिक्किम में। तो इस तरीके से पहला ही स्टेटमेंट केवल गलत हो गया, क्योंकि यहां पे यही पूछा जा रहा था। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं? पूर्व की ओर प्रवाहित होने का मतलब हो गया कि इधर कौन बहती है, तो इधर आपको पूर्व की ओर बहने का मतलब हो गया बंगाल की खाड़ी में जाके गिरना। तो कौन कौन सी नदियां हैं, अगर हम बात करें कृष्णा नदी की, भवानी नदी की, कबानी नदी की। हालांकि भवानी और कबानी नदियां सहायक नदियां हैं, लेकिन किसकी हैं ये कमेंट सेक्शन में आपको बताना है, ये आपके लिए एक टास्क दिया गया है। जबकि कृष्णा नदी एक प्रमुख नदी है, जिसकी बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं सहायक रूप में, जैसे तुंगभद्रा एक इसकी प्रमुख सहायक नदियां है। लेकिन ये तीनों ही नदियां आपकी कहां गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। परंतु एक नदी कौन सी दोस्तों, एक नदी जिसका नाम है साबरमती, जो आपके इधर से होते हुए, गुजरात से होते हुए इधर आती है, अर्थात पश्चिम की तरफ आती है। इसीलिए केवल फोर ऑप्शन को हटा देंगे तो बी ऑप्शन यहां पे मिल जाएगा। एक चीज और ध्यान देना, ये जो टिक लगे हुए इनको करेक्ट मत मानना दोस्तों, ये जो है कि जिसने भी किए उसके कुछ प्रश्न सही है तो कुछ प्रश्न गलत है, जो मैं बता रहा हूं वो आपको समझना है। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है। यहाँ पे खदान दी हुई है और भारत के राज्य कौन कौन सी माइनिंग की जो खदाने हैं वो कहाँ कहाँ पे है। जैसे बहुत ही फेमस है दोस्तों रणजीत घाटी, ये आपके सिक्किम में है। झिलमिली की बात करेंगे तो ये आपके छत्तीसगढ़ में है। बरोरा की बात करेंगे तो ये आपके महाराष्ट्र में है। और नामचिक नामफुक की बात करेंगे तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। इस आधार पे आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि कहाँ कहाँ पे कौन सी माइनिंग खदानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 7 नंबर का, निम्नलिखित समुद्री जलधाराओं में कौन सी ठंडी जलधाराएं हैं? अब जैसे अगर जलधाराओं की बात करें तो तपस्या नोट्स में मैं एक दिन के बाद जो है कि मतलब कल आ जाएगा वो टॉपिक, जिसमें सारी की सारी जलधाराओं के बारे में मैंने डिस्कस किया है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है ठंडी जलधारा, जो सामान्यतः ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर आती है, जिसमें सबसे प्रमुख जो जलधारा होती है वो होती है क्यूराइल की जलधारा और इरमिंगर की जलधारा। ये दोनों ही ठंडी जलधारा है, जबकि नॉर्वे की जलधारा और क्यूरोशिवो की जलधारा ये दोनों ही आपकी गर्म जलधारा है। लेकिन यहां पूछ रहा है आपसे ठंडी जलधारा, तो हम लगा देंगे आंसर 1 और 3। अच्छा एक ट्रिक बता देता हूं आपको मैं, सामान्यतः जो ठंडी जलधाराएं होती हैं वो महाद्वीप के पश्चिमी तट की ओर होती हैं। चाहे आप कैलिफोर्निया की जलधारा को देख लो, या फिर पेरू हम्बोल्ट की जलधारा को देख लो, या आप कनारी की जलधारा को देखो, या फिर आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा को देखो, ये जितनी भी प्रमुख जलधाराएं हैं ये मुख्य रूप से महाद्वीपों के पश्चिमी तट पर ही पाई जाती हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो आपने मेरे साथ वर्ल्ड मैपिंग की होगी तो आप लोग आराम से इस प्रश्न को कर पा रहे होंगे, ठीक है। वर्ल्ड मैपिंग में मैंने ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए थे। जैसे यहाँ पे मिसौरी नदी दक्षिणी रॉकी पर्वत से निकलकर मिसिसिपी नदी मिल जाती है, बिल्कुल। जो अमेरिका है आपका यूएसए, यहाँ पर मिसिसिपी नदी और मिसौरी नदी ये बहुत ही प्रमुख नदियाँ हैं। हालांकि मिसौरी नदी मिसिसिपी नदी की सहायक होती है और ये कहाँ पर, गल्फ ऑफ किसमें, मैक्सिको की खाड़ी में जाके ये क्या बनाती है, अपना डेल्टा बनाती है, जहाँ पे चावल की खेती बहुत ही फेमस होती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, यूएसए के अंतर्गत रॉकी पर्वत से निकलती है। और मिसौरी और मिसिसिपी के संगम पर कंसास शहर नहीं था दोस्तों, याद होना चाहिए आपको। मैंने एक शहर का नाम बताया था जिसका नाम था सेंट लुइस नगर, या लुइस भी कह सकते हो या लुई भी कह सकते हो। तो ये इसके संगम बिंदु पे था। जैसे मान लीजिए मिसौरी यहाँ से आ रही थी और मिसिसिपी यहाँ पे, तो यहाँ पे एक नगर था, याद हो रहा होगा अगर आपने किया होगा मैपिंग। तो इस आधार पे पहला तो सही है लेकिन दूसरा गलत है, इसीलिए केवल एक स्टेटमेंट यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न, पेरेकॉप स्थल संधि के संदर्भ में। अच्छा स्थल संधि किसे कहते हैं, इस्थमस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इस्थमस। जैसे हमारा स्ट्रेट होता है ना जल संधि, जो दो अलग अलग जल संधियों को जोड़ता है, मतलब वाटर बॉडीज को जोड़ता है लेकिन स्थल खंडों को अलग करता है, उसी तरीके से स्थल संधि जो होती है वो क्या करती है, जलों को अलग करती है, वाटर को अलग करती है और दो स्थल खंडों को आपस में जोड़ देती है। जैसे सिनाई प्रायद्वीप देखा होगा आपने, मिस्र और अरब को जोड़ती है आपस में। सिनाई प्रायद्वीप याद आ रहा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जहाँ पे हम पढ़ रहे थे, अकाबा की खाड़ी थी, लाल सागर था, स्वेज नहर था, पोर्ट सईद था, भूमध्य सागर था, कुछ याद आया। मिस्र के पास जो था, मिस्र का हिस्सा ये माना जाता है, ठीक है,
उसी तरीके से पेरेकॉप स्थल संधि की बात करेंगे तो ये क्रीमिया और यूक्रेन के मध्य अवस्थित है। बिल्कुल सही बात है, ये क्रीमिया और यूक्रेन को जोड़ता है और यह काले सागर को सिवास नामक समुद्र से अलग करता है। तो देखिए अस्थल संधि ने क्या कर दिया, वाटर बॉडीज को अलग किया और अस्थल खंडों को आपस में जोड़ दिया। तो यहाँ पे दोनों ही बातें यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है, इसराइल की सीमा निम्न में से किन देशों के साथ लगती है। भाई इसराइल की सीमा किन के साथ लगती है, अगर आप इसको देखना चाहोगे तो मिस्र के साथ भी बाउंड्री शेयर करती है, जॉर्डन के साथ भी करती है, सीरिया के साथ भी करती है और लेबनान के साथ भी करती है। तो इस आधार पे आप कह सकते हो मेरे भाई कि उपरोक्त सभी, ये जो आपको सिनाई प्रायद्वीप मैंने बताया था, यहीं पर इसराइल अपनी बाउंड्री शेयर करता है मिस्र के साथ। अगला प्रश्न है, मानव और पर्यावरण संबंधी निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखिए नियतिवादी जो अवधारणा है ये तो एफ स्टेज रेटिजिल ने दी थी, संभववादी अवधारणा ये आपके कार्ल रिटर ने नहीं दी है, ये बल्कि किसने दी है, ये आपके विडॉल डी लाबलास ने दी है। किसने दी है दोस्तों, विडॉल डी लाबलास ने ये अवधारणा दी है और इनका ये मानना था कि मानव ने प्रकृति पर अब विजय प्राप्त कर ली है और वो हर संभव तरीके का परिवर्तन कर सकता है इस प्रकृति में। तो इसीलिए दूसरा वाला ही स्टेटमेंट गलत है। बाकी नवनियतिवाद की अवधारणा ग्रिफिथ टेलर ने दी है, सांस्कृतिक निश्चयवाद की अवधारणा कार्ल ओ सावर ने दी है। तो यहाँ पर बी वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को के वैश्विक नेटवर्क में शामिल नहीं है। अगर मैं बायोस्फीयर रिजर्व की बात करूं या जैवमंडल जिसे हम हिंदी में कहते हैं, तो भारत में टोटल इनकी संख्या है 18 है, लेकिन इन 18 में से अभी 12 ऐसे बायोस्फीयर रिजर्व हैं जिनको यूनेस्को के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। किसके अंतर्गत, यूनेस्को के अंतर्गत। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन कौन से ऐसे जो यूनेस्को में अभी शामिल नहीं है। तो एक तो मानस शामिल नहीं है और एक नोकरेक शामिल नहीं है, ये बायोस्फीयर रिजर्व हैं लेकिन यूनेस्को में शामिल नहीं है। सबसे लास्ट में जो 2020 में यूनेस्को में शामिल हुआ है उसका नाम है पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। क्या नाम है, पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व। अब यहाँ पे हम और अतिरिक्त जानकारी ले लेते हैं, मानस की बात करेंगे तो ये आपके असम राज्य में आएगा, नोकरेक की बात अगर हम करते हैं दोस्तों तो ये आपके मेघालय राज्य में आएगा, डिब्रू साइखोवा की बात करेंगे तो ये भी आपके असम में आएगा, अचानक मार अमरकंटक ये आपके छत्तीसगढ़ में आता है। तो इस आधार पे एक और तीन ऐसे हैं जो अभी तक मिस्टेक हो गया है, प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, मैं ध्यान नहीं दे पाया। देखिए मानस हो गया और डिब्रू साइखोवा, ये दोनों दोस्तों अभी बायोस्फीयर रिजर्व में शामिल नहीं है, जबकि नोकरेक और अचानक कमार ये दोनों ही यूनेस्को में शामिल है। फिर से समझ लेते हैं, देखिए टोटल मैंने बताई थी 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिसमें से 12 बायोस्फीयर रिजर्व ऐसी हैं जो यूनेस्को में शामिल है, लेटेस्ट वाली आपकी पन्ना थी जो 2020 में शामिल हुई थी, लेकिन यहाँ जो प्रश्न दिया गया था इसमें आपकी मानस और डिब्रू साइखोवा ये दोनों ही अभी यूनेस्को में शामिल नहीं है, जबकि नोकरेक और अचानक कमार ये दोनों शामिल हैं। ध्यान से समझ लीजिए, मैंने अभी इससे पहले गलती कर दी नोकरेक बता के, नोकरेक ऑलरेडी यूनेस्को में शामिल है, तो इसलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 12 का 1, यानी 1 और 2। प्लीज करेक्ट कर लेना दोस्तों, कभी कभी हो जाता है, स्लिप टंग हो जाती है, ध्यान नहीं आता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कांवर झील की जो बात कर रहे हैं या कांवर ताल भी कहते हैं, इसके संदर्भ में आपको कथनों का चयन करना है। क्या यह एशिया की सबसे बड़ी मीठे जल की गोखुर झील है। बिल्कुल सही बात है, गोखुर झील किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए नदी का अपना एक बहाव होता है, ठीक है, और इसी में से क्या होता है, जब नदी कुछ ज्यादा ही विसर्पण करने लगती है तो अचानक से क्या करती है, इस तरीके से बहने लगती है, और ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये फिर आपस में चिपक जाता है और फिर नदी का नॉर्मल बहाव क्या होता है, इधर से ही हो जाता है डायरेक्ट, फिर ये वाला रूट भूल जाती है, और ये रूट भूल जाती है तो ये गाय के पैर की तरह देखने में लगता है, गोखुर जिसे हम कहते हैं, यानी खुर जो गाय का पैर होता है, और ये झील का स्वरूप ले लेती है, इसी को हम कहते हैं गोखुर झील। तो बिल्कुल सही बात है, ये एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील है और यह बिहार के बेगूसराय में स्थित यह झील गंगा की सहायक गंडक नदी के विसर्प के कारण बनती है, यह भी सही है। और आपको बताना चाहूँगा कि ये रामसर साइट में ऑलरेडी घोषित की जा चुकी है, ठीक है, रामसर साइट में ऑलरेडी घोषित की जा चुकी है, 2020-21 में इसे घोषित कर दिया गया था।
अब अगला प्रश्न है, तीर्थ हल्ली नामक किस फसल या पौधे की किस्म है? तो देखिए ये आपके सुपारी की किस्म है, और अगर मैं बात करूं तीर्थ हल्ली के बारे में तो ये सर्वोत्तम किस्म मानी जाती है। किसकी दोस्तों? सुपारी की ये सर्वोत्तम किस्म होती है और इसका सबसे अधिक उत्पादन आपके कर्नाटक में होता है। हालांकि अगर मैं लेटेस्ट आंकड़ा आपको दूं कि सुपारी के उत्पादन में भारत में तीन कौन से राज्य हैं, तो देखिए कर्नाटक की बात करें तो ये पूरे उत्पादन का 40% उत्पादित करती है अपने पास फर्स्ट नंबर पे। सेकेंड नंबर की बात करेंगे तो केरल है जो कि 25% उत्पादित करता है, और असम की बात करेंगे तो ये थर्ड नंबर पे आता है, 20% उत्पादित करता है। तो ये तीन राज्य ऐसे हैं जो सुपारी का सबसे अधिक उत्पादन करते हैं, जिसमें कि तीर्थल्ली का सबसे अधिक उत्पादन कर्नाटक में किया जाता है, जो सुपारी की उत्तम क्वालिटी मानी जाती है। अगला प्रश्न यहाँ पे दिवस है और तिथि है, इनका आपको मिलान करना है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस की बात करते हैं तो ये आपका 3 मई हो गया। विश्व मधुमक्खी दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 20 मई हो गया। विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस की बात करेंगे तो ये आपका 22 मई हो गया। और अंतर्राष्ट्रीय जैव ये दोस्तों थोड़ा सा ये वाला विश्व सांस्कृतिक जो विविधता है ना, ये आपका 21 मई रहेगा, और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता होता है आपका 22 मई। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता 22 मई होता है, जबकि विश्व सांस्कृतिक विविधता 21 मई होती है। मुझे लगता है कि भूख लग गई है, इसीलिए दिमाग थोड़ा सा कम काम कर रहा है या थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रही है। कोई बात नहीं, इससे पहले टेस्ट पेपर में तो नहीं हुई थी क्योंकि खा पी के बैठता था, लेकिन होता क्या ना, जब सुबह से आप काम पे बाहर निकले हुए हो, जब रूम पे आते हो और कुछ खाने को नहीं मिल पाता मौके पे, और आप लोगों के लिए कि आप वेट ना करें, टेस्ट पेपर टाइम से प्रोवाइड करा दिया जाए, तो ऐसा हो जाता है कि एक दो बार प्रश्न गलत हो जाते हैं। ध्यान दूंगा आगे से कोई प्रश्न गलत ना हो। अब यहाँ पे अगला प्रश्न, 2024 का बुकर पुरस्कार जेनी एपर्नर बेक अनुवाद माइकल हॉफमैन को प्रदान किया गया, और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पॉल लिंच को दिया गया। देखिए पुरस्कार की अगर हम बात करें वो ईयर के हिसाब से सही है, परंतु जो 2024 का था ना, ये जो दिया गया था माइकल हॉफमैन को, ये दिया गया था दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, जबकि 2023 में जो दिया गया था वो केवल और केवल बुकर पुरस्कार था जो पॉल लिंच को दिया गया था। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा कमेंट सेक्शन में इन दोनों में क्या अंतर होता है, क्योंकि ढूंढने को देखो मैं भी गूगल विजिट कर सकता हूं, लेकिन होता ना कि कई बार व्यस्तताएं इतनी होती है कि टाइम नहीं मिलता है, इसे जब भी सोचता हूं कि सर्च करूंगा भूल जाता हूं। आप लोग जरा कमेंट सेक्शन में बताना कि इन दोनों में बेसिक अंतर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और बुकर पुरस्कार। हालांकि यहां पे स्टेटमेंट उल्टे दिए गए हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार और पॉल लिंच को केवल मिला था बुकर पुरस्कार, इसीलिए कौन सा सही नहीं है, एक और दो दोनों ही सही नहीं है मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न आपका 17 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, सेला सुरंग के बारे में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। सेला सुरंग भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सुरंग है, जिसे हाल ही में इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर की मान्यता प्रदान की गई है। बिल्कुल सही बात है, और ये यूनाइटेड किंगडम यानी किसके द्वारा दी गई, इंग्लैंड के द्वारा दी गई है, और ये सर्वाधिक ऊंचाई का मतलब हो गया 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, समुद्र तल से 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। सेला सुरंग सिक्किम में अवस्थित है? नहीं दोस्तों, सेला सुरंग आपके तवांग जिले के अंतर्गत आती है, जो कि चाइना से बॉर्डर भी शेयर करता है, और तवांग जिला आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है, तो दूसरा गलत है। सेला सुरंग का उद्घाटन मार्च 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, यह बात सही है। ठीक है, तो इस आधार पर 1 और 3 सही हो जाएगा, दूसरा गलत है। अगला प्रश्न है आपका, साड़ी का प्रकार और संबंधित राज्य, यानी कि कल्चरल साड़ी के तौर पे है। जैसे पोचमपल्ली इकत की बात करेंगे तेलंगाना में है, कुनबी साड़ी गोवा में है, मेखला साड़ी असम में है, और मंगलगिरी साड़ी आंध्र प्रदेश में। जैसे बनारसी साड़ी बनारस से संबंधित है, ठीक है, और इसी प्रकार से बहुत सारियाँ जो होती हैं, बहुत सारी होती हैं वो अलग अलग राज्यों से संबंधित होती हैं। तो पहला स्टेटमेंट सही हो जाएगा, 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है यहाँ पे, नवीन प्रौद्योगिकियों का चयन करें जिनके माध्यम से हम खाद्य पदार्थों में कार्बन पदचिन्ह को कम कर सकते हैं, यानी कौन कौन सी ऐसी फूड टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर सकते हैं जिससे हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं। जिसमें आप देखोगे वर्टिकल अगर हम फार्मिंग करते हैं तो भी हम कार्बन फुटप्रिंट को कम कर सकते हैं, नो टिल फार्मिंग करेंगे, नो टिलेज या जीरो टिलेज कहते हैं, ठीक है, या शून्य जुताई कहते हैं, इसको भी हम प्रयोग कर सकते हैं, और परिशुद्धता किण्वन, परिशुद्धता अगर हम किण्वन की बात करते हैं तो इसके माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, कार्बन पदचिन्ह को कम कर सकते हैं। और अगर हम आहार की आदतों में अगर हम बदलाव कर लेते हैं तो ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है,
आप इस समय देखो ना कि जैसे जैसे पुराने बुजुर्ग लोग थे वो सामान्यतः खेतों से जुड़े हुए फसलों को डायरेक्ट खाते थे, रॉ मटेरियल के रूप में भी खा लेते थे। आज हमारी खाने की आदत में व्यवहार ऐसा हो गया चेंजेस कि हम जंक फूड की तरफ ज़्यादा चले गए, प्रोसेस फूड की तरफ ज़्यादा चले गए, डिब्बा बंद पैक्ड फूड की तरफ ज़्यादा चले गए, रॉ मटेरियल वगैरह हमने छोड़ दिया धीरे धीरे करके। तो ये आदतों में अगर हम बदलाव करेंगे तो कहीं ना कहीं कार्बन फुटप्रिंट को हम कम कर सकते हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे चारों ही स्टेटमेंट सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही एक लाइम बीमारी, इसका पहला मामला भारत में कहाँ पाया गया? तो देखिए, इसका जो पहला मामला था ये केरल राज्य में पाया गया, और जिला की अगर मैं बात करूँ तो एर्नाकुलम जिला था। कौन सा जिला था? एर्नाकुलम। इस जिले में ये पहला केस पाया गया। सामान्यतः इसमें क्या होता है, सिर में दर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द होता है, अकड़न होती है, यही सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये जो बीमारी है दोस्तों, ये एक जीवाणु के द्वारा फैलती है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, जिसका नाम क्या है, नाम आपको पता होना चाहिए, हो सकता है बीमारी का जीवाणु ही पूछ ले एग्जामिनर। तो बोरेलिया, मैं लिख दे रहा हूँ, बोरेलिया बर्गडोरफेरी, क्या है, नाम भी बड़ा खतरनाक है दोस्तों, बोरेलिया बर्गडोरफेरी, ये जीवाणु है जिसकी वजह से लाइम बीमारी का पहला मामला केरल में पाया गया। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को हाल ही में विटली गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बिल्कुल सही बात है, और आपको बताना चाहूँगा कि ये असम की रहने वाली है। कहाँ की? असम की। दूसरा स्टेटमेंट है कि यह सम्मान उन्हें बंगाल फ्लोरिकन के संरक्षण की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए दिया गया। तो ऐसा नहीं है, बंगाल फ्लोरिकन का उन्होंने संरक्षण नहीं किया था, बल्कि किसका कर रही थी संरक्षण, ग्रेटर, मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रेटर H2 टेंट, ठीक है, H2 टेंट स्टार के एक पक्षी है, इसी का वो संरक्षण कर रही थी, और इसके संरक्षण के प्रयास में विटली गोल्ड अवार्ड दिया गया इनको। तो इसीलिए केवल पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, बंगाल फ्लोरिकन का वो संरक्षण नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर अगले प्रश्न को देखते हैं, 22 नंबर पे, भाई GDP की गणना करते समय आप किसको किसको सम्मिलित नहीं करते हो? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की जब आप गणना करते हो तो एक तो आप अप्रयुक्त या मध्यवर्ती वस्तुओं का स्टॉक, क्या इसे शामिल करते हो? अगर आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल करते हैं, घिसावट या पूंजी का उपभोग बिल्कुल करते हैं, परंतु हस्तांतरण आय और पूंजीगत लाभ या हानि इसको हम शामिल नहीं करते हैं। ध्यान से समझना, इसको हम GDP की गणना में शामिल नहीं करते हैं, अर्थात तीसरा और चौथा। अब हस्तांतरण आय का मतलब क्या होता है, इसमें किसी भी प्रकार का उत्पादन कार्य नहीं लगा, जैसे बोनस हो गया, बेरोजगारी भत्ता हो गया, ये सभी हस्तांतरण आय के अंतर्गत होता है, जो आपको सरकार या तो बोनस फ्री में दे देती है एक तरीके से खुश करने के लिए, या फिर आपको बेरोजगारी भत्ता दे रही है, तो ये सभी आपके हस्तांतरण आय में आएगा और इसको GDP में काउंट नहीं किया जाता है। इसी तरीके से पूंजी लाभ, जो पूंजीगत लाभ या हानि होते हैं, या फिर आप विदेशों से प्राप्त उपहार वगैरह, ये सभी GDP में काउंट नहीं होते हैं, इसीलिए 3 और 4 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पे विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ, यानी जब उनके नए नए निर्माण हुए, तो सिंपल है, नागालैंड की बात करेंगे, 1969 में इसे विशेष राज्य का दर्जा मिला, मेघालय को 1972 में दिया गया, हिमाचल प्रदेश को 1971 में दिया गया, मिजोरम को 1975 में, क्योंकि यहाँ पूछा ही जा रहा है विशेष राज्य का दर्जा कब प्रदान किया गया। अगला प्रश्न यहाँ पे मुद्रा स्फीति से संबंधित, तो यहाँ पर आप देखोगे कि मुद्रा स्फीति से संबंधित प्रश्नों पर बात की जा रही है, यानी इन्फ्लेशन की बात होती है। अच्छा, मुद्रा स्फीति को आम भाषा में हम क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं, और महंगाई कब होती है, जब आपकी डिमांड बढ़ने लगती है और सप्लाई बाजार में कम होती है, इसी को हम क्या कहते थे, मुद्रा स्फीति कहते हैं। सामान्यतः अगर हम देखें तो मुद्रा स्फीति से परिवर्तनशील आय समूहों को लाभ होता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो परिवर्तनशील आय समूह होते हैं ना, उनकी समानता क्या होती है, इनकम बढ़ती जाती है, और इनकम बढ़ने पे उन पे कोई असर नहीं पड़ता है, तो ये बात बिल्कुल सही है। और मुद्रास्फीति से बेरोजगारी में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। अगर मुद्रास्फीति हो रही है अर्थात तो महंगाई अधिक हो रही है, तो महंगाई अधिक होने का मतलब डिमांड तो बहुत है लेकिन सप्लाई कम है, तो भाई सप्लाई को अगर आपको बढ़ाना है सप्लाई को, तो कहीं ना कहीं आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, और जैसे ही आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे तो आपको अधिक से अधिक रोजगार देना पड़ेगा, लोगों को एम्प्लॉई जनरेट करने पड़ेंगे, तो रोजगार तो बढ़ेगा भाई मुद्रास्फीति के बढ़ने से। जबकि यहाँ तो स्टेटमेंट गलत दिया गया है, तो दूसरा गलत हो गया। निर्यात में कमी आएगी, बिल्कुल सही बात है कि अगर मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी हमारी वस्तु जो है कि ऑलरेडी पहले से कम है, और अगर हम उसे बचे हुए सामान को अगर हम निर्यात कर दें तो और कम हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारी और महंगाई बढ़ जाएगी। इसीलिए भारत सरकार क्या करती है, प्याज टमाटर दाल की जब कीमतें बढ़ने लगती हैं तो तुरंत उसके निर्यात को रोक देती है कि पहले हमारे भारत में सप्लाई पूरी करो, लोगों के लिए आवश्यकताओं की पूर्ति करो, उसके बाद जब अतिरिक्त बचेगा तो बेच लेना दूसरे देशों में, लेकिन निर्यात रोक दिया जाता है। और यहां क्या पूछ रहा है कि असत्य कथन, तो भाई दूसरा ही तो गलत है, पहला और तीसरा तो सही है, तो केवल ए स्टेटमेंट हो जाएगा।
अगला प्रश्न यहाँ पे कुछ योजनाएं हैं, जैसे राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना योजना, ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना, ये आपके 1999 में शुरू की गई थी। अगर हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की बात करें, जो प्रत्येक गांव में एक सड़क बनाई जाती प्रधानमंत्री के नाम से और उसको मुख्य सड़क से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, ये सन 2000 में शुरू की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपके 1988 में बनी थी। प्रधानमंत्री भारत जोड़ो परियोजना, इसकी बात करेंगे तो 2004 में बनी थी और यहाँ पे यही सन दिए हुए हैं, तो आप मिला सकते हो। अगला प्रश्न है आपका, कैथरीन तंजानिया की सर्वोच्च चोटी है क्या? नहीं दोस्तों, ये कैथरीन आपके मिस्र की सबसे ऊंची चोटी है, तो पहला तो गलत हो गया। यह सिनाई प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर पर स्थित है, बिल्कुल सही बात है। आपको याद होगा कि इस तरीके का मैंने सिनाई प्रायद्वीप बताया था, इधर आपको अरब प्रायद्वीप, अरब देश देखने को मिले थे, इधर आपको मिस्र देखने को मिलेगा, यहाँ पे लाल सागर मिलेगा, यहाँ अकाबा की खाड़ी मिलेगी, यहाँ पे भूमध्य सागर मिलेगा, याद आ गया। तो इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो सही है लेकिन पहला गलत है, क्योंकि ये मिस्र में आती है कैथरीन, तंजानिया में नहीं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रूस को यूरोपीय रूस और एशियाई रूस में विभाजित नहीं करता है। अगर आपको बता दूं मैं कि रूस जो हमारा है ना, वो दो पार्ट में डेवलप किया गया, दो पार्ट में, एक हमारा एशिया में हिस्सा आता है जो मुख्य रूप से पिछड़ा माना जाता है, साइबेरिया वाला पार्ट होता है, और जो सबसे ज़्यादा डेवलप रूस है वो हमारा मुख्य रूप से यूरोप वाले हिस्से में आता है। इसका बंटवारा कौन करता है? यूराल पर्वत हो गया, यूराल पर्वत से निकलने वाली यूराल नदी और कैस्पियन सागर, इनसे पता चलता है कि कौन सा रसिया यूरोप में आता है, कौन सा एशिया में आता है। लेकिन वोल्गा इसके विभाजन में कोई भी योगदान नहीं देती है, और यही पूछ रहा है कि कौन विभाजित नहीं करता, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे पर्वत और अवस्थिति, ग्रैम्पियन की बात करें, एपेनाइन की बात करें, हॉर्ज की बात करें, पिनाइन की बात करें, तो देखिए ग्रैम्पियन आपका स्कॉटलैंड में है, एपेनाइन की बात करेंगे तो यह आपका इटली में मिलेगा, अगर हम हॉर्ज की बात करें तो यह आपका जर्मनी मिलेगा, और पिनाइन की बात करें तो इंग्लैंड में। एपेनाइन तो इटली में, लेकिन पिनाइन कहां पे है? इंग्लैंड में, तो इसलिए डी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अश्व अक्षांश कहलाता है? तो सामान्य भाषा में अगर मैं आपसे कहना चाहूंगा तो 23.5 डिग्री से लेके 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब 35 डिग्री अक्षांश के बीच में होता है, और ये नॉर्थ और साउथ दोनों में होता है। सामान्यतः ये जो क्षेत्र होता है ना दोस्तों, ये हाई प्रेशर का क्षेत्र होता है, यानी यहाँ पे स्थल खंड पे या समुद्र के ऊपर क्या होता है, शांत वायुमंडल होता है, जिसकी वजह से हवाओं की दिशा कम पता होती है, या यूं कहें कि हवाओं की दिशा का स्पष्ट पता नहीं चल पाता कि किस तरफ जा रहे हैं। और ऐसे में जब नौका में या अपने जो क्रूज होते हैं उसमें जब सामान को वगैरह को ले जाते हैं तो उसमें कुछ घोड़े भी होते हैं, और व्यापारी क्या करते थे, घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे वजन को कम करने के लिए, ताकि नाव हल्की हो जाए और आसानी से अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। तो घोड़ों को फेंक देने की वजह से ही इसका नाम पड़ गया क्या, अश्व अक्षांश। और ये सामान्यतः उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी होती है, यानी हाई प्रेशर तो है ही है, और उपोष्ण यानी 23.5 डिग्री की उष्ण कटिबंध को क्रॉस करते हुए आगे जाएगी। अगला प्रश्न है आपका, ब्लू चिप कंपनियों को सुरक्षित निवेश का विकल्प माना जाता है, बिल्कुल सही बात है। ब्लू चिप कंपनियों के पास लाभांश भुगतान और स्थिर वृद्धि का एक सुसंगत इतिहास है, यह भी सही है, ए स्टेटमेंट सही है, और इसी आधार पर इसमें इन्वेस्टमेंट करना बेहतर माना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे इकोनॉमिक से कुछ वक्र की बात करें, जैसे लॉरेंस वक्र की बात करेंगे तो ये आय की विषमता के बारे में बताता है कि भारत में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग अमीर हैं, किन के बीच में क्या आय की विषमता है। गिनी गुणांक की बात करेंगे तो आय वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप की करता है। कुजनेट्स वक्र की बात करेंगे तो प्रति व्यक्ति आय की विषमता, अर्थात कि पर कैपिटा इनकम सबकी अलग अलग होती है, जैसे मान लो आपकी कुछ और होगी, आपके पिताजी की कुछ और होगी, मेरी कुछ और होगी, यानी पर कैपिटा इनकम में जो डिफरेंसेस आ रहे हैं, जो विषमता आ रही है, इसकी बात होगी। और फिलिप्स वक्र जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति के संबंधों को दर्शाता है कि अगर आप बेरोजगारी को कम करना चाहते हो तो आपको मुद्रास्फीति बढ़ानी पड़ेगी, और अगर आपको मुद्रास्फीति कम करनी है तो आपको बेरोजगारी बढ़ानी पड़ेगी, और इसीलिए यहाँ पे सभी स्टेटमेंट सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न है गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में, देखो गिफिन गुड्स क्या होते हैं, ये सामान्यतः निम्न कोटि की वस्तुएं मानी जाती हैं, लेकिन इनमें प्रॉब्लम भी है कि ये डिमांड का लॉ नहीं मानती है। डिमांड का लॉ क्या कहता है भाई, जब किसी वस्तु की कीमत घट जाती है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है, और जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ जाती है तो उसकी डिमांड घट जाती है। जैसे आपके टमाटर या प्याज के रेट जैसे ही बढ़ जाते हैं तो आप लोग डिमांड करना कम कर देते हो, लेकिन गिफिन गुड्स में ये लॉ नहीं लगता है, डिमांड का लॉ लगता ही नहीं है। इसमें तो यही है कि जैसे इसकी मूल्य की वृद्धि हो रही है उस गिफिन वस्तुओं की मांग और बढ़ने लगती है, और जब मूल्य की वृद्धि कम हो जाती है, यानी मूल्य कम हो जाता है, तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है, यानी रूल ऑफ डिमांड के अपोजिट चलता है ये। तो यहां पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है? तो देखिए, दास कैपिटल किसने लिखी थी? कार्ल मार्क्स ने लिखी थी। द प्रिंस पुस्तक की बात करेंगे, जो राजनीति पर लिखी हुई पुस्तक है, जिसमें अपने राजा के पास कौन कौन सी शक्तियां या कौन कौन से गुण होने चाहिए उसके बारे में लिखा गया था। ये एक शासक थे, मतलब एक सेनापति था एक तरीके से, मैकियावेली, जो इटली का था। ठीक है, ये अपने इटली को एकीकृत करना चाहता था, इसलिए वो चाहता था कि हमारा जो राजा हो वो इन गुणों से सुसज्जित होना चाहिए। तो उसने राजा के नाम से एक पुस्तक लिख दी, द प्रिंस। अगर हम बात करें कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की बात कर लेते हैं, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो है दोस्तों, वो किसने लिखी थी? इसको दो लोगों ने लिखी थी, एक तो कार्ल मार्क्स ने लिखी थी और एक इनके मित्र थे फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखी थी इस पुस्तक को। इसीलिए यहां पे केवल कार्ल मार्क्स ही पूछा जा रहा है, तो पहला स्टेटमेंट सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नगरीकरण का प्रमुख कारण नहीं है? देखिए, औद्योगिकरण होता है इसलिए नगर का विकास हो रहा है, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं होती हैं इसलिए लोग नगर में जाते हैं, शिक्षा के बेहतर अवसर होते हैं, रोजगार के बेहतर अवसर होते हैं, लेकिन अगर कृषि का विस्तार हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं क्या होता है, ग्रामीण व्यवस्था को बढ़ावा देता है, यानी ग्रामीण का विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्रों का, क्योंकि किसानी या खेती किसानी ये सब गाँव से ही संबंधित होती है। अगला प्रश्न, यहाँ पे केंद्र और स्थान, जैसे राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी की बात करें, या यूं कहें कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी, ये आपके हैदराबाद में स्थित है, फिर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला या फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी की बात करें तो ये आपके अहमदाबाद में है, इसरो जड़त्व प्रणाली यूनिट या इसरो इनर्शियल सिस्टम यूनिट, ये आपके तिरुवनंतपुरम केरल में है, और परिवर्तनीय ऊर्जा साइक्लोट्रॉन, ये केंद्र आपके कहाँ पे? कोलकाता में, यानी कि वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर, ये कहाँ पे? कोलकाता में, पश्चिम बंगाल में। तो इस आधार पे इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अब जैसे परमाणु पदार्थ निदेशालय हैदराबाद में, सही बात है, लेकिन विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड दोस्तों, ये नई दिल्ली में नहीं है, बल्कि कहाँ पे? ये मुंबई में है। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये तो मुंबई में है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र, ये आपके इंदौर में है। तो कौन सा गलत हो जाएगा? बी वाला गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इससे संबंधित नहीं है? देखिए, रेगिस्तान में मरीचिका बनना, यानी मृग मरीचिका जिसे कहते हैं, ये तो बिल्कुल बनता है, और कांच में आई दरार का चमकना, ये भी बिल्कुल बनता है, जल में पड़ी परख नली का चमकना, ये भी होता है, परंतु बर्तन की तली में पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखना, और यही सेम प्रश्न आपका आरओ एग्जाम्स में आता है, यही ऑप्शन। तो ये आपका दोस्तों प्रकाश के आंतरिक परावर्तन से नहीं होता है, बल्कि इसको लिख सकते हैं हम प्रकाश का अपवर्तन। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश का अपवर्तन, इससे संबंधित है ये। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें, तारे के रंग का निर्धारण उनके पृष्ठताप से होता है? बिल्कुल, जितना उनका पृष्ठताप अलग अलग होता है उसी आधार पर तारों का रंग भी बनता जाता है। आपको बता दूं कि सूर्य भी एक तारा है, ठीक है, सूर्य क्या है? एक तारा है। अत्यधिक उच्च ताप, मतलब उच्च ताप पृष्ठताप वाले सफेद तारे होते हैं, और अत्यधिक उच्च ताप वाले नीले तारे होते हैं, लेकिन एक ताप ये भी होता है जिसको हम निम्न कहते हैं, जो निम्न पृष्ठताप वाले होते हैं उनको सामान्यतः हम लाल तारे कहते हैं। तो तीन अलग अलग कैटेगरी हो गई, सफेद तारे कौन से होंगे जो हाई सरफेस टेंशन होंगे, और नीले तारे कौन से होंगे जो मैक्सिमम हाई सरफेस टेंशन होंगे, और रेड तारे कौन से होंगे जो लो सरफेस टेंशन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें कि मानव शरीर में पाए जाने वाले निम्न तत्वों का अवरोही क्रम बताओ। अवरोही का मतलब ज्यादा से कम, हालांकि मानव शरीर में सबसे अधिक तो ऑक्सीजन पाई जाती है, ठीक है, क्या पाया था? ऑक्सीजन। परंतु यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिए गए हम उन्हीं के आधार पर बताएंगे। तो हाइड्रोजन की बात करें तो ये 10% है, कैल्शियम की बात करें 2% है, नाइट्रोजन की बात करें 3% है, फास्फोरस की बात करें तो 1% है। तो इस आधार पे अवरोही क्रम में सबसे पहले आपको हाइड्रोजन को सेलेक्ट करना है, फिर नाइट्रोजन को सेलेक्ट करना है, फिर कैल्शियम को, और फिर फास्फोरस को, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41, जिसमें असत्य कथनों का पहचान करनी है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कॉस्टर कैलनर विधि के अनुसार होता है, यह भी सही है। और गैलियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल बनाने में होता है, नहीं दोस्तों, गैलियम धातु का नहीं होता है, बल्कि दूसरी धातु का प्रयोग होता है जिसका नाम होता है सेलेनियम। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं ना, इनको तैयार करने के लिए सेलेनियम की जरूरत पड़ती है, गैलियम की जरूरत नहीं पड़ती है, इसीलिए तीसरा वाला ही स्टेटमेंट गलत है। अगला प्रश्न 42 नंबर पे, उत्परिवर्तनवाद से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही है, यानी म्यूटेशन की थियरी से संबंधित।
पहली चीज की इस सिद्धांत को ह्यूगो डी ब्रिज के द्वारा प्रतिपादित किया गया, बिल्कुल सही बात है। और इसमें सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। अचानक से जब उनके जीन में कोई परिवर्तन होता है और एक नए गुण का मतलब नए गुण प्रदर्शित होते हैं तो उसको हम लोग उत्परिवर्तन कह देते हैं, अर्थात म्यूटेशन कह देते हैं। और उत्परिवर्तन अनिश्चित होते हैं, ये बात भी सही, कोई फिक्स नहीं होता है कि आपकी बॉडी में कहाँ पे चेंजेस होंगे, लेकिन उत्परिवर्तनवाद होता जरूर है और ये अनिश्चित होता है। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न 43, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। भाई कौन सा एक सुमेलित नहीं है, देखिए भ्रूण विज्ञान की स्थापना W. फ्लेमिंग ने की थी, विषाणुओं के अस्तित्व के प्रमाण डी इवानोवस्की ने दी थी, प्रथम इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी की बात कहीं नल व रस्का ने दी थी, लेकिन कृत्रिम हृदय का जो निर्माण था ये किया गया था दोस्तों रॉबर्ट जार्विक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, रॉबर्ट जार्विक के द्वारा। और इन्होंने जो बनाया था उसके नाम पे क्या नाम रखा गया, जार्विक 7 रखा गया था, जो पहला कृत्रिम हृदय था। क्रिश्चियन बर्नार्ड की बात करेंगे ना तो इन्होंने हार्ट का ट्रांसप्लांट किया था, किसका किया था, हार्ट का ट्रांसप्लांट, लेकिन उसका निर्माण नहीं किया था। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन से परानुकंपी तंत्रिका तंत्र के कार्य नहीं है, यानी कि पैरासिम्पैथेटिक के कार्य नहीं है। ये नेत्र की पुतली का संकुचन करते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह लार के स्राव में और अन्य पाचक रसों में वृद्धि करते हैं, बिल्कुल सही बात है। अब यहीं पे सेम इसी को अपोजिट कह दिया गया है, जैसे यह लार ग्रंथियों के स्राव को कम करता है, तो अभी तो हमने कहा ना कि तो वृद्धि करता है, तो ये तो गलत है। ये आंख की पुतली को फैलाता है, ये भी गलत है, क्योंकि अभी संकुचित हमने बात की। तो केवल पहला दूसरा तो सही है, लेकिन यहां पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो तीसरा और चौथा, अर्थात सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर पे, निम्नलिखित सिद्धांतों में से कौन से अनुच्छेद 13 से संबंधित है। तो देखिए एक तो होता है आच्छादन का सिद्धांत, एक होता है पृथक्करणत्याग का सिद्धांत और एक होता है अधित्याग का सिद्धांत। तो ये तीनों ही सिद्धांत आपके आर्टिकल नंबर 13 से संबंधित है मूल अधिकार के तहत, तो 1, 2, 3 तीनों हो जाएंगे। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। जैसे एकांतता के अधिकार की बात करें तो ये राजगोपालन बनाम तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत ही ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो पहला तो सही है। अब यहाँ पे निशुल्क विधिक सहायता की बात करेंगे तो M.M. हासकट बनाम महाराष्ट्र राज्य में ये मामला आया था, ये भी सही है। आश्रय का अधिकार मेनका गांधी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार और चिकित्सा पाने का अधिकार परमानंद कटारा बनाम भारत संघ। तो देखिए यहाँ पे तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये जो आश्रय का अधिकार आया था दोस्तों, ये आपका आया था चमेली सिंह, किसमें आया था दोस्तों, चमेली सिंह बनाम यूपी, आया तो यूपी के खिलाफ था, ठीक है। और कब आया था ये, 1998 से आया था, अर्थात चमेली सिंह बनाम यूपी 1998 में। जबकि मेनका गांधी केस की अगर हम बात करेंगे तो ये आर्टिकल नंबर 21 से संबंधित है और ये 1978 में आया था ये केस, जबकि आश्रय वाला केस कब आया था, 1998 में। हालांकि आश्रय का अधिकार भी आपके आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत ही आता है। अगले प्रश्न पर बात करेंगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। देखिए संसद का कोई भी सदन राष्ट्रपति पर आरोप का एक संकल्प प्रस्तुत कर सकता है, बिल्कुल सही बात है, फिर चाहे वो लोकसभा हो या फिर वो राज्यसभा, कहीं पर भी आ सकता है। ध्यान देना कि राज्य विधानसभा इन सभी में नहीं आएगा, केवल लोकसभा या राज्यसभा में आ सकता है। प्रस्तावित संकल्प उस सदन की कुल संख्या का कम से कम 1/5 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए। तो 1/5 की बात नहीं होती दोस्तों, 1/4 सदस्य जब उस पर हस्ताक्षर करते हैं कि हाँ हम सभी लोग सहमत होकर राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं उनके पद से, तो बिल्कुल जो है कि आप इसे सही मानोगे। लेकिन यहाँ तो 1/5 सदस्य की बात कर रहा है, तो इसलिए इसको गलत मान लिया गया। सदन की कुल सदस्य संख्या कम से कम 2/3 बहुमत से संकल्प अगर पारित करती है तभी उनके ऊपर हटाने की प्रक्रिया लगेगी, तो तीसरा सही है। अच्छा, संकल्प को पारित करने से पहले या इसकी सूचना आपको 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को देनी पड़ेगी, तो 1 और 3 सही है, अर्थात ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका पूर्ण न्याय एब्सोल्यूट जस्टिस, ये किस अनुच्छेद में दोस्तों, तो ये आर्टिकल नंबर 142 में है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामान्यतः इसका प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आर्टिकल 143 क्या है, ये राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श होता है, राष्ट्रपति को दिया गया परामर्श होता है, जिसे आम भाषा में हम कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी शक्ति, क्या कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी शक्ति। और ये केवल सुप्रीम कोर्ट के पास होती है, हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के पास नहीं होती है शक्ति। पूर्ण न्याय की बात मैंने की, जिसको सुधारात्मक याचिका भी कहते हैं, एब्सोल्यूट जस्टिस भी कहते हैं, ये आर्टिकल 142 के अंतर्गत आता है।
निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखिए, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान आर्टिकल नंबर 112 में दिया गया है और इसी को आम भाषा में हम लोग बजट वर्ड यूज करते हैं। ध्यान देना कि संविधान में कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, लेकिन वार्षिक वित्तीय विवरण को 112 के अंतर्गत ही हम जानते हैं। भारत सरकार द्वारा उधार लेने की बात की जाती है तो आर्टिकल 292 भी सही है। संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए गए व्यय के बारे में ये आर्टिकल 282 के तहत आता है, लेकिन संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान में जो छूट दी जाती है वो दिया जाता है आर्टिकल नंबर 285 के तहत। 296 के तहत नहीं दिया जाता है, 285 के तहत इसको छूट दे दी जाती है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। केवल 7 राज्यों में विधान परिषद अस्तित्व में? अब तो नहीं है दोस्तों, पहले थी लेकिन अब नहीं है। जम्मू कश्मीर के हट जाने के बाद केवल 6 राज्यों में है, जिसमें एक आपको लिखना है यूपी। यूपी की बाउंड्री शेयर होती है बिहार से, फिर उसके बाद नीचे महाराष्ट्र में आ जाओगे, महाराष्ट्र की बाउंड्री शेयर होती है आपकी कर्नाटक से, कर्नाटक की बाउंड्री शेयर होती है आपकी तेलंगाना से, और इस तरीके से एक आपका रह गया तेलंगाना की बाउंड्री शेयर होती है आंध्र प्रदेश से। देखिए, ये तरीका अगर आपने सीख लिया तो आपकी 6 सीटें याद हो गई भाई। यूपी की बाउंड्री बिहार से, फिर महाराष्ट्र पे आ जाओ, महाराष्ट्र की बाउंड्री कर्नाटक से, कर्नाटक की तेलंगाना से, तेलंगाना की आंध्र प्रदेश से, इस तरीके से आप कर लोगे, आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके 6 राज्यों में, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। कर्नाटक और बिहार में विधान परिषद की सदस्य संख्या असमान है क्या? गलत, समान है। दोनों ही राज्यों में 75-75 विधान परिषदों की सीटें हैं, तो दूसरा भी गलत, पहला भी गलत, इसलिए यहाँ पे डी हो जाएगा, न तो एक सही है न ही दो। अच्छा, यूपी में कितनी है विधान परिषद की सीट? कितनी है दोस्तों? 100 है। कितनी? 100। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये यहाँ पे लोकसभा के नियम दिए गए हैं और इनके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधि होती है और जिसमें कौन सा सही नहीं है, ये हमें बात करना है। जैसे नियम नंबर 388 क्या कहता है कि सदन में सारे नियमों को किनारे कर किसी भी विषय पर चर्चा की जा सकती है। नियम नंबर 377 कहता है लोक महत्व एवं निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित मामलों पर चर्चा करना। नियम नंबर 184 कहता है जनहित मामलों पर बहस एवं मतदान करना। नियम नंबर 115 ये नहीं कहता है दोस्तों जो लिखा हुआ है, बल्कि वो ये कहता है कि किसी भी सांसद या मंत्री के वक्तव्य में अगर त्रुटि होती है तो उसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करने का अधिकार होता है संसद के सदस्यों को, कि अगर मान लो किसी मंत्री ने कुछ अपने त्रुटिवश जो है कि अपने स्टेटमेंट दिए, कोई गलत तरीके से बोला है जानबूझ, या वो मंत्री ये चीज कोट नहीं कर रहा है कि हाँ भाई मिस्टेक हो गई है, स्लिप टंग हो गया, अगर ऐसा कुछ नहीं बोल रहा है तो इसका मतलब है कि उसके इस वक्तव्य के खिलाफ आपत्ति दर्ज की जा सकती है, और ये नियम नंबर 115 में होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा, कर्नल टाड ने अकबर को राजपूतों की स्वतंत्रता का प्रथम विजेता कहा था। बिल्कुल सही बात है। इतिहासकार बदायूनी ने अकबर को इस्लाम का सच्चा मित्र कहा था, ये बात गलत है, इसने इस्लाम का शत्रु बताया था अकबर को, इसलिए पहला तो सही है दूसरा गलत है, तो केवल बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि सूची फर्स्ट और सूची सेकेंड की बात करें, लोथल से क्या मिला है दोस्तों? लोथल से मिला आपको संयुक्त समाधान। हड़प्पा से क्या मिला है? हड़प्पा से मिला ताबूत समाधान। सनौली से क्या मिला है? सनौली से मिला विस्तारित समाधान। मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? कलश समाधान। अब यहाँ पे इनकी नदियों के बारे में जान लो। लोथल की बात करेंगे तो ये भगवा नदी के तट पे है, हड़प्पा की बात करेंगे तो ये रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो की बात करेंगे तो ये सिंधु नदी के तट पे है, सनौली की बात करेंगे दोस्तों तो ये यमुना नदी के तट पे है, क्योंकि ये जो सनौली है दोस्तों ये आपके बागपत जिले के अंतर्गत आता है। किसमें? बागपत जिले के अंतर्गत आता है, सनौली एक छोटा सा गांव है वहां पर आता है। अगला प्रश्न है, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित 12 रत्नी के संदर्भ में सूची वन और सूची सेकंड में मिलान करना है। जैसे अक्षावाप किसे कहते हैं? जो आय व्यय का गणना करने वाला अध्यक्ष होता है। पालागल किसे कहते हैं? जो विदूषक होता है। सूत किसे कहते हैं? जो रथ सेना का नायक होता है। और छता किसे कहते हैं? ये दौवारी या द्वारपाल जो होते हैं इनको कहा था छता। तो 54 का हो जाएगा ए, 1, 2, 3, 4 सभी मिलान सही हैं। अगला प्रश्न है, औरंगजेब से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं का सही काल अनुक्रम आपको सुनिश्चित करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि तुलादान की प्रथा बंद करने की बात अगर हम करें तो 1669 हो जाएगा, जजिया कर लगाने की बात करें तो 1679 हो जाएगा, दरबारी प्रणाम की जगह सलाम अलै कुम का प्रयोग करना इसको 1670 में शुरू किया गया, और दरबार में संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो 1668 में। तो इस आधार पे सबसे पहले क्या आएगा? 4132। तो 4132 यानी कि पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जैसे कि यहाँ पे दे रहा है अल तमगा,
अल तमगा की बात करेंगे तो पुरस्कार स्वरूप दिए गए भू अनुदान होते हैं, भूमि अनुदान होते हैं। कनकूत की बात करेंगे तो लगान निर्धारण की एक पद्धति होती है। जरीब की बात करेंगे तो भू राजस्व का ठेकेदार नहीं होता दोस्तों, बल्कि मुगल कालीन ये भूमि मापक का एक यंत्र है जरीब, जो कि एक रस्सी का होता था और इसके द्वारा जो मापी की जाती थी, जो भूमि को नापा जाता था, उसे हम पैमाइस कहते थे। होम्स की बात करेंगे तो युद्ध में प्राप्त शत्रुओं की संपत्ति, कि जो भी हमें प्राप्त होता है युद्ध में लूटपाट का जो सामान होता है उसे हम होम्स कहते हैं। तो यहाँ पे सी वाला ही गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विद्रोहों को उनके काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, जैसे दक्कन का विद्रोह, जयंतिया विद्रोह, खासी विद्रोह, फराजी विद्रोह। तो जरा इनके विद्रोहों को आप क्रम से लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे हम लोग? दक्कन का विद्रोह दोस्तों हुआ था 1874 में, खासी का विद्रोह कब हुआ था 1827 से लेकर 33, फराजी विद्रोह कब हुआ था 1838 से लेकर 57, जयंतिया विद्रोह कब हुआ था ये आपको हुआ था 1860 से 63 के बीच में। और इन आधारों पे जब आप क्रोनोलॉजी लगाओगे तो 2 4 3 1 क्या हो गया, 2 4 3 1 ये इसकी क्रोनोलॉजी हो गई। अगला प्रश्न है आपका 55, यहाँ पे गवर्नर जनरल हैं और उनके द्वारा कुछ किए गए प्रमुख कार्य हैं, जैसे लॉर्ड डफरिन ने क्या किया, बर्मा का विलय कर दिया, लॉर्ड एलनबरो ने क्या किया, सिंध का विजय किया, लॉर्ड इरविन ने दीपावली घोषणा पत्र जारी किया, और लॉर्ड रीडिंग ये एकमात्र यहूदी वायसराय थे। क्या थे? यहूदी वायसराय। तो इस आधार पे बी ऑप्शन सही होगा। सैडलर कमीशन की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सैडलर कमीशन एक शिक्षा से संबंधित कमीशन है और इसका गठन 1970 में किया था। कब? 1970 में, अर्थात 1917 में। इन्होंने जो सिफारिश दी थी कि स्कूली शिक्षा के 12 वर्ष की होनी चाहिए, अध्यापकों की प्रशिक्षण हेतु व्यवस्था होनी चाहिए, महिला शिक्षा हेतु एक विशेष बोर्ड की नियुक्ति होनी चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा था दोस्तों कि ढाका व कलकत्ता, क्या कहा था, ढाका व कलकत्ता में शिक्षा विभाग की स्थापना, क्या कहा था, में शिक्षा विभाग की स्थापना करना। तो ये भी इन्होंने सिफारिश की थी। इसका मतलब है सी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3 4 सारे इसके सही हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या निषेध नियम की बात करेंगे तो दोस्तों ये 1801 का नहीं था बल्कि 1804 का था। दास प्रथा का उन्मूलन 1829 में, हालांकि इस समय लॉर्ड विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल थे और इन्होंने आदेश दिया था कि किसी भी हाल में दास प्रथा समाप्त हो जानी चाहिए। बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1919 में आया और सम्मति आयु अधिनियम 1804 में। यहाँ पे सम्मति आयु अधिनियम में कुछ डाउट है मुझे दोस्तों, ये 1804 नहीं होगा, ये 1891 होगा। ठीक है, फिर भी एक बार आप लोग करेक्ट करिएगा अगर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि अब नोट्स वगैरह उठा के चेक करने का तो टाइम नहीं है। आगे देखते हैं, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीता था। बिल्कुल सही बात है, समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत में 12 राज्यों को जीता भी और बाद में क्या किया, धन संपदा लूट के उन 12 राज्यों को क्या किया, वापस कर दिया अपना राज्य चलाने के लिए। इसमें कौशल का उस समय नरेश कौन था, महेंद्र था। अगर हम बात करें महाकंतार का राजा कौन था, व्याघ्रराज था। कांची का राजा कौन था, विष्णुगुप्त था। लेकिन पिष्टपुर का जो राजा था, पिष्टपुर का राजा कौन था अगर हम बात करें तो उसका नाम था दोस्तों महेंद्र गिरी। क्या नाम था उसका? महेंद्र गिरी। और यहां पे अगर हम बात करें स्वामी दत्त की तो स्वामी दत्त आपके कोठर राज्य के थे। किसके थे? कोठर। इस तरीके से आप कोठर लिख सकते हो, कोठर राज्य के राजा थे। तो ये 12 राज्यों में कुछ 4-5 राज्य थे जिनके ये राजा उस समय शासन कर रहे थे जब समुद्रगुप्त ने हमला किया था। अगला प्रश्न है, मीर कासिम द्वारा बंगाल का नवाब बनने के बाद किए गए सुधारों के संबंध में कौन सा कथन गलत है, जैसे इसने आव बाव नामक एक नया कर लगाया था, अब बाव नामक, बिल्कुल सही बात है, और इसने पुराने करों पर 3/32 भाग अतिरिक्त कर लगा दिया, यह भी सही है, अधिकारियों द्वारा बचत के रूप में एक और कर खिजरी नामा भी वसूल किया, यह भी सही बात है, सेना के आधुनिकीकरण के लिए एक फ्रांसीसी अधिकारी को वाल्टर रीड हार्ड को नियुक्त किया था। तो दोस्तों वाल्टर रीड हार्ड को तो नियुक्त किया था इसने, लेकिन ये फ्रांसीसी अधिकारी नहीं था, ये जर्मन अधिकारी था, और यही स्टेटमेंट आपका गलत है। हालांकि इसने एक सबसे इंपॉर्टेंट काम भी किया था जो इसमें नहीं दिया गया, मैं आपको बताता हूँ कि इसने राजधानी भी स्थानांतरित की थी। कहाँ से? मुर्शिदाबाद से मुंगेर चला गया था। कहाँ पे चला गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर, क्योंकि ये चाहता था कि जो बंगाल का शासन है वो थोड़ा शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए, ये हाय तौबा नहीं होनी चाहिए, इसलिए उसने अपनी राजधानी मुंगेर शिफ्ट कर दी थी। तो ये भी याद रख लेना इसके बारे में। अगला प्रश्न यहाँ पे, शिवाजी की निम्न विजयों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करिए, जैसे जिंजी के किले पर इन्होंने जो विजय प्राप्त की थी 1678 में की थी, पनहाला के दुर्ग पे जो इन्होंने विजय प्राप्त की थी वो 1673 में की थी,
सूरत की जो दूसरी बार लूट मचाई थी इन्होंने 1670 में, और सालहेर के दुर्ग पर विजय इन्होंने किया था 1671 में। तो 63 का हो जाएगा ए ऑप्शन, 3421। अब यहाँ पे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अंग्रेजों के समय भारतीय ग्रामीण शिल्प उद्योगों के ह्रास के परिणाम के संबंध में क्या क्या बातें, इसके कारण गाँव का औद्योगिक सामग्री के लिए शहरों पर आश्रित होना पड़ गया, बिल्कुल सही बात है, और इसके परिणाम स्वरूप कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या भी बढ़ गई, क्योंकि जब हस्तशिल्प उद्योग समाप्त हो गए तो वो लोग क्या हो गए, बेरोजगार हो गए जो हस्तशिल्प में लगे हुए थे, तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आया, तो उन्होंने कहा चलो अपने गाँव में चलो और खेती किसानी करने लगो। सेम यही कारण COVID-19 में भी देखने को मिलता है कि कोविड में जो बड़े बड़े शहरों में लोग कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे, कोविड के दौरान वो लोग अपने अपने घर पहुंचे और वहां पे जाके उन्होंने फिर क्या किया, चुप मार के अपना गांव में खेती किसानी करनी शुरू कर दी। तो यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ये उसका परिणाम था। अगला प्रश्न है, कौन सी विशेषता भू राजस्व की रैयतवाड़ी व्यवस्था की नहीं थी। सबसे पहले अगर आपको पता होना चाहिए कि रैयतवाड़ी व्यवस्था को शुरू किसने किया था, तो शुरू करने वाले व्यक्ति थे कर्नल रीड और प्लस थॉमस मुनरो साहब। कौन थे दोस्तों, थॉमस मुनरो साहब ने शुरू की थी। और कब शुरू की थी, सबसे पहले 1792 में बारा महल नाम का एक जिला था साउथ में, ठीक है, बारा महल जिले में इसको लागू किया गया। अब इसके प्रावधानों को पढ़ते हैं, इसमें भूमि का स्वामित्व किसानों को दे दिया गया, यानी भूमि का मालिक किसानों को बना दिया गया, बिल्कुल सही बात है, और किसान भूमि का विक्रय तो कर सकते थे परंतु उसे गिरवी नहीं, यही स्टेटमेंट गलत है, वो उसे गिरवी भी रख सकते थे दोस्तों, वो अगर चाहे तो विक्रय कर सकते हैं, या अगर उन्हें लगान जमा करने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है तो किसी के पास गिरवी भी रख सकते हैं, और लगान अदायगी के प्रत्येक 30 वर्ष बाद उसकी पुनर्समीक्षा भी की जाएगी, और इस व्यवस्था में किसानों को उपज का 1/2 हिस्सा राजस्व के रूप में देना पड़ता था, या सीधी भाषा में कहें तो 50% देना पड़ता था, यह बात बिल्कुल सही है। और एक प्रावधान और किया गया था कि अगर आपने अंग्रेजों को लगान अदायगी नहीं की तो भूमि को भी जब्त किया जा सकता था, आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं ये मेरी भूमि आप इसे जब्त मत करो मैं लगान दे दूंगा, ऐसा नहीं है, लगान अगर नहीं दोगे तो क्या करेंगे, वो भूमि भी जब्त कर लेते थे। अगला प्रश्न है यहां पे, ठीक है, 66 नंबर के प्रश्न पे, फरवरी 1918 ईस्वी में उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया, तो यह बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों, और इसका गठन किसने किया था, तो गौरी शंकर साहब ने किया था, इंद्र नारायण द्विवेदी जी ने किया था और मदन मोहन मालवीय जी ने किया था। उत्तर प्रदेश किसान सभा के गठन बाबा रामचंद के प्रयासों से हुई, यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि 1920 में गठन हुआ था अवध किसान सभा का, अवध किसान सभा का गठन बाबा रामचंद ने किया था, न कि उत्तर प्रदेश किसान सभा का, दोनों के नामों में अंतर है, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही होगा, दूसरा गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए गदर पार्टी की स्थापना 1 नवंबर 1913 को हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, यह बात सही है। लाला हरदयाल इसके संस्थापक अध्यक्ष थे, नहीं, इसके जो संस्थापक अध्यक्ष थे वो थे सोहन सिंह भाखना, क्या नाम था दोस्तों, सोहन सिंह भाखना, तो दूसरा गलत है। इन्होंने गदर नामक एक पत्र निकाला था, बिल्कुल सही बात है, और सबसे पहले ये उर्दू भाषा में निकला था, उसके बाद अलग अलग भाषाओं में निकलने लगा जैसे पंजाबी, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, परंतु ये संस्कृत भाषा में कभी भी नहीं निकला, इसलिए चौथा भी गलत हो गया। अब कौन सा सही नहीं है, 2 और 4, तो ये हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आएगा, भारत और चीन के बीच में पंचशील समझौता कब हुआ। 29 अप्रैल 1954 को जब जवाहरलाल नेहरू जी और चाउ एन लाई इनके बीच में ये पंचशील समझौता किया गया था, जिसमें कहा गया कि एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, पारस्परिक जो है कि अनाक्रमण यानी किसी के ऊपर आक्रमण नहीं होगा, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समानता और परस्पर पूर्ण लाभ की बात करेंगे और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की बात करेंगे, तो यही 5 सिद्धांत दिए गए थे, पंचशील सिद्धांत। अगला प्रश्न है आपका, शेरशाह सूरी ने शासक बनने के पश्चात सबसे पहले पंजाब तथा गोखर पर विजय प्राप्त की थी, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही, गोखर पे की थी, और शेरशाह सीमांत प्रदेशों से मुगलों के किसी भी संभावित आक्रमण को रोकने के लिए बोलन दर्रे एवं पेशावर से आने वाले मार्गों को सुरक्षित रखना चाहता था, तो ये बात भी सही थी, इसलिए वो अपने मार्ग को सुरक्षित रखना चाहता था, तो ए स्टेटमेंट आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बलबन के राजत्व का पूरा विवरण वसया नामक पुस्तक में मिलता है, बिल्कुल सही बात है, और इस पुस्तक को किसने लिखा है, जियाउद्दीन बरनी ने लिखा है, जिसमें पूरा का पूरा बलबन के राजत्व सिद्धांत की पूरी व्याख्या की गई है। अगला प्रश्न है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने बीदर पर आक्रमण कर बहमनी शासक महमूद शाह को कासिम वरीद के चंगुल से निकालकर पुनः सिंहासन पर बैठाया था, तो यह बात भी सही है, और इस उपलक्ष्य को उसने यवन राज्य स्थापनाचार्य, क्या नाम दिया, यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि ग्रहण की, बिल्कुल सही, तो दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 72।
मुगल बादशाह अकबर के शासनकाल में लागू जो करोड़ी व्यवस्था थी दोस्तों, इसके बारे में आपको सही कथनों की जांच करनी है। जैसे इस व्यवस्था को उसके दीवान एतमाद खान ने 1562 ईस्वी में लागू किया, बिल्कुल सही। इसके तहत संपूर्ण खालसा भूमि मतलब जो सरकारी भूमि होती थी, इसको 125 राजस्व विभागों में विभाजित किया गया, तो 185 नहीं था 182 राजस्व भूमि थी, तो ये सही हो गया। प्रत्येक राजस्व भाग की मालगुजारी 2.5 लाख रुपए, जिसे मतलब 2.80 यहाँ लिखा है, ये गलत है, 2.5 लाख रुपए की बात थी, जिसको सामान्यतः 1 करोड़ दाम के रूप में जाना जाता था, प्रतिवर्ष निर्धारित होती थी। तो 2 और 3 गलत है, केवल एक ही सही होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो अपने जलीय विलयन में हाइड्रोजन के ऋणायन उत्पन्न करते हैं, तो ये गलत है दोस्तों, बल्कि धनायन उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं, एच प्लस छोड़ते हैं ये लोग। और क्षार वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, बिल्कुल सही बात है, पहला गलत है दूसरा सही है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन भी देते हैं और साथ ही साथ ये कुछ मात्रा में अविलय होते हैं और कुछ मात्रा में विलय भी हो जाते हैं, तो केवल दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन वहन क्षमता अवरुद्ध हो जाती है, बिल्कुल सही बात है, अगर आपके शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड घुस जाती है तो ऑक्सीजन से भी तेजी से 300 गुना तेज स्पीड से हीमोग्लोबिन के साथ ये क्रिया कर लेती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन से मिलकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुँच पाती हमें ब्लड तक और ब्लड से हमारे टिश्यू या सेल तक, इस वजह से ए ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला स्टेटमेंट यहाँ पे प्रश्न है 75 में, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजनी उर्वरक है और इनमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, जैसे यूरिया कार्बामाइड में 46%, कैल्शियम साइनामाइड में 40%, लेकिन दोस्तों अमोनियम सल्फेट में इतनी नहीं पाई जाती, एवरेज जो है कि 23% पाई जाती है, और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट 24% पाई जाती है, ये सही है, तो सी वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यहाँ पे कुछ धातु है और उनके अयस्क की बात करें, जैसे सोडियम की बात करेंगे तो सोडियम का जो अयस्क होगा वो क्रायोलाइट होगा, पोटेशियम की बात करेंगे तो पोटेशियम के लिए क्या है, कार्नेलाइट है, मैग्नीशियम के लिए सोनाइट है, और सिल्वर के लिए केराजीराइट है। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं, यहाँ पर एक छड़ी से धूल भरे ऊनी कपड़ों को पीटने से धूल के कण नीचे गिर जाते हैं, बिल्कुल सही बात है, ये तो होता ही है, और छड़ी से पीटने पर कपड़े में गति पैदा हो जाती है, इसके कारण धूल के कण गतिमान अवस्था में आ जाते हैं और वह कपड़े से अलग हो जाते हैं, बस यहीं पे गलत स्टेटमेंट है। धूल के कण देखो दोस्तों हमेशा विरामावस्था में बना रहना चाहते हैं, वो गतिमान नहीं होना चाहते, वो विराम की अवस्था में रहना चाहते हैं, परंतु जब वो कपड़ों से अलग होते हैं तो वो चाहते हैं कि हम हवा में ही रुके रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता, पृथ्वी के आकर्षण बल के द्वारा उन्हें खींच लिया जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाते हैं, तो धूल के कण कभी भी गतिमान अवस्था में रहना ही नहीं चाहते हैं, इसलिए आर गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन सही होगा, ए सही, आर गलत होगा। अगला प्रश्न है आपका, एक औंस कितने बराबर होता है, तो एक औंस जो होता है आपका लगभग 28.35 ग्राम के बराबर होता है, और एक पाउंड की बात करें तो ये 16 औंस के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, ओंडोमीटर का प्रयोग किसके लिए होता है दोस्तों, ओंडोमीटर का प्रयोग विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने में होता है, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो फ्रिक्वेंसी होती है उसे मेजरमेंट करने के लिए हम ओंडोमीटर का प्रयोग करते हैं। बाकी तीन के बारे में अगर हम देखें तो द्रवों के विशिष्ट गुरुत्व के मापन करने के लिए क्या करते हैं, हम पिकनोमीटर की बात करते हैं, किसकी, पिकनोमीटर की। प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए क्या करते हैं, हम फोनोमीटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फोनोमीटर। सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए हम क्या करते हैं, तो इसको सापेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए सामान्यतः हाइग्रोमीटर भी आता है वर्ड, लेकिन यहां पे आपको साइक्रोमीटर भी याद रख लेना है। अगला प्रश्न है, क्लोरीन प्रतिजैविक क्या लिख रहा है, क्लोरीन क्लोरेलीन प्रतिजैविक क्लोरेला नामक शैवाल से तैयार की जाती है क्या, तो हाँ ये बात सही है, और यह ग्राम पॉजिटिव व ग्राम निगेटिव दोनों प्रकार के जीवाणुओं से हमारी रक्षा करती है, तो यह बात बिल्कुल सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन से प्रकंद के उदाहरण हैं, तो देखिए प्रकंद के जो उदाहरण हैं वो आपके हल्दी है, अदरक है, लेकिन और अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो केला भी इसका उदाहरण है और फर्न भी इसका उदाहरण है। आलू की बात करेंगे दोस्तों तो आलू किसका उदाहरण है, आलू और जो आपका बंडा वगैरह है, मतलब आलू ही की बात कर लेते केवल, तो ये आपके कंद का उदाहरण है, जबकि बंडा हो गया, जिमीकंद हो गया, अरवी हो गई, केसर हो गया, ये सभी घन कंद के उदाहरण हैं, और सल्क कंद जिसका सल्क खाते हो, पत्ता खाते हो, छिलका, वो होती प्याज लहसुन लिली, इन सबका खाते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कैल्शियम के प्रमुख कार्य कौन से होते हैं, देखिए ये अस्थि और दांतों का निर्माण करते हैं, सही है, रक्त के जमने में सहायता करते हैं, ये भी सही है, ये एंजाइम को स्रावित होने में सहायता करते हैं, ये भी सही है, परंतु
वसा और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायता नहीं करते, क्योंकि इनके पाचन में सहायता करता है आपका फास्फोरस। तो इसलिए पहला ही गलत हो जाएगा। और 82 का जो सही पूछा जा रहा है तो 2, 3, 4 बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ पे फास्फोरस जो है कि इसका पाचन करता है, ना कि कैल्शियम। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कर देना, और चैनल के नीचे अर्थात कि वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया गया है, वहाँ पर आप देख सकते हो कि टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ मिल जाती है। साथ ही साथ मैंने टेस्ट सीरीज के रिवीजन करने की स्ट्रेटजी को भी शेयर किया है, तो आप उसे भी देख लेना, उसका भी लिंक मैं वीडियो के नीचे लगा दिया है। अगला प्रश्न है आपका, अमाशय की जठर ग्रंथियों से निकलने वाले जठर रस में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl कौन कौन से कार्य करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे यह भोजन के माध्यम को अम्लीय करता है, बिल्कुल HCl जो होता है जो आपके पेट में पाया जाता है तो ये अम्लीय कराता है, भोजन को क्या करता है एसिडिक बनाता है और हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, भोजन को सड़ने से बचाता है और साथ में हड्डियों को भी गलाता है। तो इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक ही व्यक्ति को दो या दो से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने के संबंध में प्रावधान किया गया, तो 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जो कि 1956 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे अनुसूची के बारे में, 6ठी अनुसूची किससे समेत है, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों से। दूसरी अनुसूची राज्य विधानसभाओं के अध्यक्षों और उपाध्यक्षों के बारे में उपबंध है। 12वीं अनुसूची में क्या है, नगर पालिका की शक्तियां और उनके उत्तरदायित्व की बात है। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करेंगे दोस्तों, 5वीं अनुसूची की, तो ये आपके अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा कौन से परिवर्तन किए गए, इसके द्वारा विभिन्न विषयों को केंद्रीय और प्रांतीय विषयों में विभाजित किया गया, ये बात सही है। इस अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था भी की गई, यह भी सही है। अगर हम आगे देखते हैं, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार देश में द्विसदनीय व्यवस्था प्रारंभ की गई, जैसे लोकसभा और राज्यसभा, तो बिल्कुल सही है। और पहली बार सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछना और बजट पर संकल्प रखने का अधिकार दिया गया, तो यह बात गलत है दोस्तों। हालांकि बजट पर प्रश्न पूछने की जो छूट थी, यानी बजट पर अपना मतदान वगैरह करने की छूट, तो 1892 में थी, परंतु 1909 के अधिनियम में आपको अनुपूरक प्रश्न पूछने की शक्ति मिली। साथ ही साथ आप देखोगे कि इसमें आपको बजट पर संकल्प रखने का भी अधिकार दे दिया गया 1909 में, 1919 वाले में नहीं दिया गया था। इसीलिए चौथा ही केवल गलत है और 1, 2, 3 आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद विभिन्न संवैधानिक संशोधनों द्वारा कौन कौन से भाग संविधान में जोड़े गए। तो देखिए, 4 क जोड़ा गया, 9 क जोड़ा गया, 9 ख जोड़ा गया, 14 क जोड़ा गया, ये सभी पार्ट जोड़े गए हैं, परंतु 10 के नाम का कोई भी पार्ट अभी तक संविधान में नहीं जोड़ा गया है। तो इसलिए 1, 2, 4 तो सही है, लेकिन तीसरा वाला गलत था, 10 के। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य ने अपने पहले संविधान उद्यान की स्थापना 29 अप्रैल 2024 को नागपुर में, नहीं, ये था दोस्तों 24 अप्रैल 2024 को, और वो भी पुणे में किया था। कहाँ पे किया था, पुणे में, तो पहला गलत हो गया। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया, हाँ, दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो ये हो जाएगा बी। अगला प्रश्न यहाँ पे, अनुच्छेद और उनके प्रावधान। अनुच्छेद 64 कहता है उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, बिल्कुल ठीक। अनुच्छेद 66 कहता है उपराष्ट्रपति का चुनाव कहता है क्या, ये भी सही है। अनुच्छेद 65 दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं बताता, क्योंकि कार्यकाल बताने के लिए होता है आर्टिकल 67, बल्कि 65 क्या कहेगा कि जब भी राष्ट्रपति का पद रिक्त रहेगा या राष्ट्रपति जो है कि उस समय नहीं रहेंगे अपने पद पे, तो उनके सारे कार्यों का दायित्व कौन निर्वहन करेगा, उपराष्ट्रपति। अर्थात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की भूमिका ग्रहण करता है आर्टिकल 65 के तहत। और 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति के द्वारा शपथ ग्रहण करना, और जबकि 60 में क्या था, राष्ट्रपति की शपथ थी। तो ये दोनों जरा आर्टिकल याद रख लेना। अगला प्रश्न है, प्रतिषेध रिट के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। भाई यह सिर्फ न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी होते हैं, बिल्कुल सही बात है। यह प्रशासनिक प्राधिकरणों के विरुद्ध नहीं, प्रशासनिक के विरुद्ध नहीं, यह विधायी निकायों और निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी नहीं। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी होता है, यह अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी की जा सकती है, ये बात सही है। तो 1 और 4 आपको मिलेगा ए ऑप्शन में, ये सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे डीएनए से संबंधित पूछा जा रहा है। क्या पूछ रहा है प्रश्न में आपसे, इसमें पूछ रहा है डीएनए सभी आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करता है, बिल्कुल सही बात है भाई, उसी में तो रहेगा जो है कि, और डीएनए प्रोटीन संश्लेषण को भी नियंत्रित करता है, यह भी सही है। जीन डीएनए से बने होते हैं, यह भी सही है। अब पूछ रहा है असत्य कथन कौन सा, तो इनमें से कोई भी नहीं, सारे के सारे सही है दोस्तों, कोई भी स्टेटमेंट गलत नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, संस्थान और मुख्यालय
जैसे भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की बात करेंगे तो हैदराबाद में स्थित है, मझगांव डॉक लिमिटेड की बात करेंगे तो ये मुंबई में स्थित है, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की बात अगर हम करते हैं तो ये बंगलुरु में स्थित है, और गार्डन रीच वर्कशॉप की बात करते तो कोलकाता में स्थित है। इस आधार पर आपका ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93। तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन नंबर 93 को देखेंगे जो कंगारू से संबंधित है। पूछा जा रहा है कंगारू को अस्तनी वर्ग के अंतर्गत भी कौन से उपवर्ग में शामिल किया गया। अस्तनी वर्ग का मतलब क्या होता है, जो अपने बच्चे को दूध पिलाती हैं अपने अस्तनों के माध्यम से, उन्हीं को अस्तनी वर्ग कहते हैं। जैसे हमारे जो मनुष्य हैं वो भी अस्तनी वर्ग में ही आते हैं। अब यहाँ पे मेटाथीरिया में रखा जाता है कंगारू को। मेटाथीरिया का मतलब क्या होता है, ये ऐसे जो है कि जीव माने जाते हैं जो अपरिपक्व बच्चे को जन्म देते हैं, यानी कि बच्चा पूरी तरीके से तैयार नहीं हुआ है जन्म के लिए, लेकिन फिर भी आधे अधूरे बच्चे को जन्म दिया, बाकी पूरा विकसित होने के लिए मार्सुपियल थैली में रखते हैं। देखो कि कंगारू हमेशा अपने आगे एक थैली होती है जिसमें अपने बच्चे को रखता है, उसी में उसका बच्चा पूरा तैयार होता है, फिर वो बाहर निकलता है, इसको कहते हैं मेटाथीरिया। प्रोटोथीरिया किसे कहते हैं, जो अंडे देने वाले अस्तनी होते हैं। सामान्यतः अस्तनी क्या होते हैं, या तो पूरे बच्चा देते हैं, अंडे देने वाले केवल दो ही है, एकिडना और प्लेटिपस, जो अंडे देते हैं फिर उसके बाद बच्चा निकलता है। और यूथीरिया में क्या होते हैं, हम और आप जैसे मनुष्य और हाथी, जो पूरी तरीके से जब बच्चा पूरी तरीके से विकसित हो जाता है हमारे पेट के अंदर, यानी महिला के पेट गर्भ में शिशु का जब पूरा जन्म हो जाता है, पूरा विकसित होने के बाद तब उसका जन्म होता है, तो यूथीरिया। तो यहाँ पे कंगारू किस में आएगा, बी वाले में। अगला प्रश्न, लसिका में उपस्थित कौन सा एक या कौन एक हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करके रोगों की रोकथाम में सहायक होता है, तो लिम्फोसाइट, जो कि WBC का पार्ट होता है। किसका, WBC का पार्ट होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा यकृत द्वारा कार्य नहीं किया जाता है। हिपेरिन नाम का प्रोटीन उत्पादित होता है, बिल्कुल सही बात है, और इसका जो मुख्य काम होता है ना कि शरीर के अंदर ब्लड को नहीं जमने देना। अगर शरीर के अंदर दोस्तों ब्लड जम गया ना तो क्या हो जाएगा, पता है आपको, शरीर के अंदर ब्लड जमेगा तो आपकी जो जो नसें हैं ना वो सारी की सारी ब्लॉक हो जाएंगी और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन उत्पादन करना, ये भी बात सही है, लेकिन इसका यूज होता है शरीर के बाहर रक्त का थक्का जमाना। जैसे आपको चोट वगैरह लग गई, कहीं कट फट गया, तो क्या होता है, थक्का जम जाना, शरीर के ताप को भी बनाए रखता है, परंतु वसाओं का इमल्सीकरण करना इसका काम नहीं होता, ये काम होता है पित्तरस का। किसका होता है, पित्तरस, जो पित्ताशय में पित्तरस होता है जिसको हम लोग बाइल जूस कहते हैं। क्या कहते हैं, बाइल जूस, ठीक है, इसका काम होता है वसाओं का इमल्सीकरण करना। अगला प्रश्न हो गया, किस एक की कमी से दांत झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है, तो ये जो कमी आती है दोस्तों ये फ्लोरीन से आती है। अच्छा, आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से एनीमिया होता है, यानी कि खून की कमी होती है। टोकोफेरॉल की कमी से क्या होता है, बांझपन आता है, यानी कि जो महिला बच्चे नहीं दे पाती हैं या फिर जो पुरुष बच्चे पैदा नहीं कर पाते जिनको नपुंसक कहते हैं, तो ये भी प्रॉब्लम आती है। आयोडीन की कमी से क्या होता है, ग्वाइटर यानी घेंगा रोग होता है। आगे देखते हैं, खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर चांदी की वस्तुएं काली होने लगती हैं, ये बात बिल्कुल सही है भाई। चांदी जो है कि वायु से क्या होती है, बहुत तेजी से रिएक्ट होती है। चांदी वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करती है और इसी वजह से काली हो जाती है, जबकि सोने को देख लो, सोना जो है कि ज़्यादा तेजी से जो है कि ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता, इसलिए लोग सोने के हार वगैरह पहने रहते हैं, आराम से काला पड़ता ही नहीं जल्दी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडला, ऊष्मागतिक ताप का केल्विन, परंतु द्रव्यमान का दोस्तों मिलीग्राम नहीं होता बल्कि किलोग्राम होता है, तो डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम इसको शुरू किया गया था, देखिए DRDO के द्वारा, इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तब इन्होंने इस कार्यक्रम की आधारशिला रखी थी और 1983 का ये कार्यक्रम है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कुछ शब्द संक्षेप है उनको पूर्ण रूप से देखना। जैसे URL की बात करेंगे तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, USB की बात करेंगे यूनिवर्सल सीरियल बस, और VADS की बात करेंगे तो वॉइस एक्टिविटी डिटेक्शन, यानी तीनों ही सही हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, संघ सरकार की बात करेंगे तो भाग 5 में है, सहकारी समितियां दोस्तों 9 क में नहीं है बल्कि किसमें, 9 किसमें दोस्तों, 9B या 9 ख कह सकते हो, क्योंकि 9A में तो नगर पालिकाएं हैं। राजभाषा भाग 17 में और संविधान संशोधन भाग 20 में है, तो कौन सा गलत हो गया, बी वाला गलत हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपबंध साधारण बहुमत से संशोधित नहीं किया सकता। देखिए, नागरिकता के प्रावधान कर सकती है संसद, छठी अनुसूची में कर सकती है संसद, नए राज्यों का निर्माण कर सकती है, परंतु राज्यों की अगर कार्यपालिका शक्ति में वो परिवर्तन कर रही है तो इसके लिए पहली चीज तो उसे विशेष बहुमत का पालन करना पड़ेगा, विशेष बहुमत का, और साथ ही साथ आधे राज्यों का भी उसे समर्थन लेना पड़ेगा, तब जाके वो राज्यों की कार्यपालिका शक्ति में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है,
भारत की संविधान की नींव मौलिक अधिकारों और नीति हिंसक तत्वों के संतुलन पर आधारित है। ये मामला मिनर्वा मिल्स वाद था जो 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें निर्णय दिया था। अगला प्रश्न, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान से संबंधित प्रावधान किसमें किया गया है? तो ये प्रावधान आपके आर्टिकल नंबर 275 में होगा। किसमें होगा? 275। अच्छा, 263 में क्या है? अंतर्राज्यीय परिषद है। 280 में क्या है? वित्त आयोग है। अच्छा, 265 ध्यान रख लेना कि विधि के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकता, यानी बिना कानून के आप टैक्स अधिरोपित नहीं कर सकते आम पब्लिक पर। अगला प्रश्न है आपका 105, सत्य कथनों की पहचान कीजिए। भारत में नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद के पास होती है। सही है। भारत को एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को संसद के 2/3 बहुमत से पास करना होता है? ऐसा नहीं है। अभी जस्ट हमने पीछे क्वेश्चन को पढ़ा कि साधारण बहुमत से होता है, तो दूसरा गलत है, पहला सही है, तो केवल ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? देखिए, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय है, प्रतिष्ठा अवसर की समानता भी है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता भी है, परंतु पुरुष स्त्री और बच्चों की शिक्षा के बारे में कोई प्रावधान नहीं है, बल्कि ये चला जाता है आपके किसमें? आर्टिकल 21A में आ जाता है, राइट टू एजुकेशन, या फिर DPSP में आ जाता है आर्टिकल नंबर 45, या फिर आपके फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है 11 नंबर पे, तो इसमें आता है शिक्षा की बात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी प्रावधान को समाप्त कर दिया गया? तो इसका संविधान संशोधन हो जाएगा 104 नंबर पे, परंतु जो बाकी तीन दिए ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे 103 में क्या था? EWS का कोटा आया था, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का। 102 में क्या था? OBC कमीशन को संवैधानिक आयोग बना दिया गया। और 101 में क्या आया था? GST की बात की गई थी दोस्तों, ठीक है। इसके तहत आर्टिकल नंबर 279 के अंतर्गत GST को जोड़ा गया, GST काउंसिल के नाम से 279A। अगर OBC की बात करें तो OBC के लिए 338 आपका बी जोड़ा गया, 338B, क्योंकि 338 में आता है आपका SC कमीशन शेड्यूल कास्ट, और 338A में आता है आपका शेड्यूल ट्राइब्स कमीशन, और 338B में आ जाएगा OBC कमीशन। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? देखिए, किसी भी भूभाग के भारत में सम्मिलित होने से भी हो जाएगी, रक्त संबंध या वंश क्रम से भी हो जाएगी, देशीकरण से भी हो जाएगी, बाकी दो प्रावधान और हैं, पंजीकरण से भी हो जाएगी और साथ ही साथ जन्म से भी हो जाएगी। तो इस तरीके से पांचों ऑप्शन सही हो जाएंगे, यानी डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद केंद्र और संसदीय व्यवस्था का उपबंध करता है? तो आर्टिकल नंबर 74 और 75 दोनों ही सही हैं। अगला प्रश्न, 61वें संवैधानिक संशोधन जो कि कब हुआ था? 1988 में हुआ था। ये दो चार क्वेश्चन आपको ऐसे दिख रहे होंगे, या दो चार नहीं बल्कि 10 से 15 प्रश्न ऐसे दिखे होंगे जो पिछले 4 से 5 टेस्ट में हमने पूरा डिटेल से कंप्लीट किया था, तो यहाँ पे आपको एक रिवीजन मेथड भी दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1988 में हुआ था, और इसमें मतदान की न्यूनतम आयु कितने वर्ष थी? तो जब 61वें संवैधानिक संशोधन करने से पहले मतदान की आयु थी 21 वर्ष, जब संशोधन हो गया तो 18 वर्ष हो गई, और इसका पहली बार प्रयोग किया गया था जब नवंबर 1989 में आपकी 9वीं लोकसभा चुनाव हो रहे थे, 9वीं लोकसभा चुनाव, तब लोगों ने 18 वर्ष की उम्र के आधार पर वयस्क मतदान का प्रयोग किया। भारत की संविधान में प्रस्तावना में वर्णित शब्द स्वतंत्रता का आशय कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं? 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं। यहाँ देखिए लिखा है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, उपासना और ठीक है धर्म भी रहेगा यहाँ पे, ठीक। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात करते हैं, लेकिन अगर हम बात करें न्याय की तो न्याय हमारा 3 प्रकार का होता है, और समानता की बात करें तो 2 प्रकार की होती है। अगला प्रश्न है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने के द्वारा की गई थी? हुमायूं के द्वारा की गई थी। चलो ये तो हो गया दीन पनाह नगर, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, जसवंत और दसावन ये चित्रकार थे और किसके दरबार में थे? अकबर के दरबार में। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना किसके मुगल शासनकाल में हुई? तो ये हुई थी दोस्तों औरंगजेब के शासनकाल में, सबसे अधिक संगीत पर जो है कि इसके द्वारा रचना करवाई गई थी। अब यहाँ पे ये भी प्रश्न रिपीटेड हो गया आपका, क्या कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के उपरोक्त वंशों को सत्ता में बिताए गए वर्षों के आधार पर अवरोही क्रम में आप व्यवस्थित करें। जैसे ममलूक वंश की बात करें, जिसको हम लोग गुलाम वंश भी कहते हैं, जो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू होता है, जो कि 84 वर्ष तक इसने कंप्लीट किया अपने शासनकाल को। तुगलक वंश ने 94 वर्ष तक, सैयद वंश ने लगभग 36 वर्ष, खिलजी वंश ने लगभग 30 वर्ष, और लोदी वंश ने 76 वर्ष। हालांकि इसको मैंने पहले टेस्ट पेपर में, यानी कि जो इससे पिछले टेस्ट पेपर हुए 4-5, उसमें किसी एक टेस्ट पेपर में ईयर वाइज मैंने सब बताया था कि कौन कौन से सन से कितने वर्ष तक इन्होंने शासन किया। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3, 2, 1, 4, 5। वैहिंद का युद्ध बात करते हैं, वैहिंद का युद्ध हुआ था आपका 1008 से लेके 9 के बीच में,
और ये समानता पेशावर के निकट हुआ था। किसके किस बीच? महमूद गजनवी और आनंद पाल के बीच, जिसमें महमूद गजनवी क्या हुआ, विजयी हो गया था। तो इसी को वहिंद का युद्ध भी कहते हैं। अगला प्रश्न, भीतरी ग्रह पाए जाते हैं। भीतरी ग्रह किसके बीच में? सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टियों के मध्य में, जिसमें चार ग्रह आते हैं। सबसे पहले आता है आपका बुध, फिर कौन सा आता है दोस्तों, शुक्र, फिर कौन सा आता है बताइए, मंगल, फिर कौन सा आता है पृथ्वी। तो ये चार प्रकार के जो ग्रह होते हैं इनको हम भीतरी ग्रह कहते हैं, क्योंकि सूर्य और क्षुद्र ग्रह के बीच में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण का तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? तो आप देखो कि संयुक्त वन प्रबंधन भी करता है, चिपको आंदोलन भी करता है, बीज बचाओ आंदोलन भी करता है, परंतु वन्य जीव विहारों का परिसीमन करना, डिलिमिटेशन करना, ये सीधी सीधी भागीदारी सुनिश्चित नहीं करता। अगला प्रश्न, आइसोनेफ रेखा होती है बर्फ गिरने के समान, समुद्र तल, किसी या मेघाच्छादन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा डी, मेघाच्छादन के समान क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को आइसोनेफ कहते हैं। बाकी ऑप्शंस क्या करें, बर्फ गिरने के समान क्षेत्रों को दर्शाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसको हम लोग कहते हैं सामान्यतः आइसोनेफ। क्या कहते हैं? आइसोनेफ। समुद्र तल की क्षैतिज रेखा जिससे ऊंचाई तथा गहराई की माप होती है, इसको हम कहते हैं डेटम लाइन या डेटम रेखा। किसी संदर्भ बिंदु से क्रमिक माप का प्रदर्शन करने वाली रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोनोमल कहते हैं, आइसोनोमल। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों को विभाजित करने का मुख्य आधार है? तो उद्यमों के स्वामित्व के आधार पे, अगर किसी उद्यम या इंडस्ट्रीज पे सरकार का स्वामित्व है तो उसे हम सार्वजनिक कहते हैं, और अगर किसी इंडस्ट्रीज पे या किसी कंपनी पे अगर प्राइवेट सेक्टर का स्वामित्व है तो उसे हम निजी उद्यम कह देते हैं। अगला प्रश्न है, उपरोक्त में से कौन से मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं? तो देखिए, शिक्षा में निवेश करोगे तो भी ह्यूमन कैपिटल बनेगा, कार्यस्थल पे प्रशिक्षण दोगे ट्रेनिंग तो भी बनेगा, स्वास्थ्य में निवेश करोगे तो भी बनेगा, प्रवसन यानी माइग्रेट अगर होके आएंगे लोग हमारे यहाँ तो भी बनेगा, और सूचना तो भी बनेगा। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औसत आय के संदर्भ में सत्य कथन कौन से? यह देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर निकाली जाती है, बिल्कुल सही बात है। औसत आय को हम लोग पीसीआई भी कह देते हैं, पर कैपिटा इनकम। औसत आय को प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है, बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्टेटमेंट सही रहेंगे। नेक्स्ट है आपका, मैक्सिको की खाड़ी में स्थित तेल के कुएं से अमेरिका के उत्तर पूर्वी राज्यों में तेल के परिवहन के लिए कौन सी पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है? तो इसको कहते हैं बिग इंच पाइपलाइन। क्या कहते हैं इसको? बिग इंच पाइपलाइन। अब यहाँ पे अगले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 124, किस प्रकार की कृषि को कर्तन एवं दहन कृषि के रूप में भी जाना जाता है? तो आप इसको देख सकते हो, स्थानांतरित कृषि को कहते हैं, जिसको हम आम भाषा में झूम खेती भी कह देते हैं। कायिक प्रवर्धन के बारे में अगर हम बात करें, किस प्रकार के जनन का उदाहरण है ये? तो दोस्तों, कायिक प्रवर्धन जो होता है वो अलैंगिक जनन का उदाहरण होता है। तो यहाँ तक हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने आपको कई बार कहा है पिछले 5 टेस्ट में लगातार मैं कह रहा हूँ कि जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक का हमें करंट अफेयर्स पढ़ के जाना है इस पूरे टेस्ट पेपर के लिए, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए। लेकिन फिर भी जो टेस्ट पेपर में जुलाई 2023, दिसंबर 2023, सितंबर 2023, जून 2023 के जो करंट अफेयर्स आ रहे हैं उनको अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो तो पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे पोस्ट कर देता हूँ, वहां से जाके आप खुद भी पढ़ सकते हो। क्योंकि मेरे हिसाब से ये प्रश्न जनवरी से पढ़ने चाहिए हमें करंट अफेयर्स, उससे पहले के नहीं। जैसे ही जनवरी का आएगा मैं पूरा डिटेल से आपको चीजें समझाते हुए चलूंगा, लेकिन अगर उससे पहले के करंट अफेयर्स आपको पढ़ने हैं तो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना, लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए जो वीडियो का लिंक है ना, कि कैसे हम टेस्ट सीरीज को रिवीजन करें ताकि जो मैं 35 टेस्ट पेपर कराऊंगा वो आराम से आपके रिवाइज हो जाने चाहिए, इसका भी लिंक मैंने लगा दिया है, आप जरूर उसे देखने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।